अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो उसमें हमने मुख्तलिफ प्रैक्टिस देखी है, तो अब हम पहुंच गए टॉपिक पे, दैट्स कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। तो ये 8th क्लास का ये चैप्टर है, चैप्टर चल रहा है 6th चैप्टर है। तो हार्वेस्टिंग क्या होती है? एक्चुअली दिस द प्रोसेस ऑफ कटिंग, कटिंग ऑफ ग्रेन्स, कटिंग ऑफ क्रॉप्स, टेकिंग ऑफ फ्रूट्स व्हेन दे गॉट राइपनड, व्हेन देयर सीजन इज बिकम्स ओवर। ये वो टाइम होता है, वो पीरियड होता है जब हम अपने इस फसल को कट कर लेते हैं, जब हम अपने इस फसल को सेपरेट कर लेते हैं, या हमारा ग्रेन्स होगा, हमारे फ्रूट्स होंगे, या कोई और फसल होगा, तो उसको अब हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम अब कट कर लेते हैं, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अभी ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन हुई होती है, वो बराबर हुई होती है, लिहाजा ये क्रॉप्स जो हैं ये अब राइपन हुए होते हैं, या पूरे उनकी मैच्योर स्टेज आई होती है, तो लिहाजा हमें उनको अब करना होता है हार्वेस्ट, ठीक है ना। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। तो फील्ड से हम इनको हासिल कर लेते हैं, ये हम अपने हाथों से भी इसको हम कट कर सकते हैं, या डिफरेंट ये जो ये मैकेनिकल सपोर्ट्स हैं, जो हम हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्किल्स हैं या मशीनस हैं, जिनको हार्वेस्टर्स बोलते हैं, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो जिनसे हमारा ये काम जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है ना। जब हमें लग जाता है कि हमारे फ्रूट जो है या हमारे ग्रेन्स दे गॉट गोल्डन इन कलर, उनका कलर चेंज हुआ है, ग्रीन से अब ये गोल्ड बन गए हैं, या उन कहीं पर रेड हो जाते हैं, उनकी ब्लड कलर वो रेड होता है, ब्लड रेड कलर, इस तरह हमें लगता है कि ये जो ये क्रॉप हमारा है या जो फ्रूट्स हैं ये अब मैच्योर हुए हैं, पक गए हैं, तैयार हुए हैं, लिहाजा हमें उनको हार्वेस्ट करना होता है, हमें उनको काटना होता है, ठीक है। अब ये हार्वेस्टिंग जो है, इसके लिए चूंकि सीजन पर भी डिपेंड रहता है, कौन फसल अब कब तैयार होता है, चूँकि यहाँ पर दो या तीन भी लिखते हैं, दो किस्म के ये जो ये सीजन आते हैं रिगार्डिंग दिस क्रॉप, एक होता है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं जिनको हम सो बो लेते हैं या सो करते हैं मई जून और जुलाई, जून जुलाई यानी ये सीजन जो चल रहा है, तो इसमें हम इसको सो करते हैं या बो कर लेते हैं, और उनकी ये जो हार्वेस्टिंग टाइम जो है, कटिंग का टाइम जो है वो है नवंबर या अक्टूबर, उनकी सितंबर से भी हम इनको शुरुआत कर सकते हैं, सितंबर अक्टूबर और अक्टूबर नवंबर तक हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा आज ये जो पैड़ी फसल है, राइस इसको हम बोलते हैं, जिसकी काश्त हम आज करते हैं, आज इसको हम ये जो ये फील्ड में कल्टिवेट करते हैं, और उसका सीजन आता है फिर अक्टूबर में हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो दूसरा था वो रबी क्रॉप्स, रबी फसल जो है, इनको हम ये जो ये लगा लेते हैं या सो लेते हैं, दे आर सोन इन नवंबर दिसंबर यानी लेट आवर्स में, नवंबर दिसंबर, यहाँ क्योंकि फिर विंटर लगता है कश्मीर में, नवंबर सर्दियाँ होती है, तो उस मौसम में भी हम इन फसलों को लगा लेते हैं, सो कर लेते हैं, ठीक है, नवंबर और दिसंबर में, और उनका हार्वेस्टिंग पीरियड जो बनता है वो मार्च एंड अप्रैल बनता है, ठीक है, मार्च एंड अप्रैल उनका हार्वेस्टिंग पीरियड बनता है। तो दोज आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स, यानी दो किस्म के जो क्रॉप्स आ गए हमें, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जून जुलाई में उनको हम ये सो करते हैं, और नवंबर और अक्टूबर में उनको हम कटिंग हार्वेस्टिंग करते हैं, और इसी तरह रबी क्रॉप्स जो है उसको हम सो करते हैं नवंबर और दिसंबर में, और उनका पीरियड जो आता है ये हार्वेस्टिंग का, वो आता है मार्च एंड अप्रैल, ओके। तो ये बन जाता है हमारा ये जो ये